का जंगल का कहानी बानी सो बाढ़ बुढ़ आए वाला खेत के बर्बाद कर दल गड़ा खोद बालू टूट दल कथी कार बैठल बानी सो बन बनिहारी लगते नहीं के थरुअट के देश बा कोनो हाल रोजगार नहीं है आदमी खाला लगला बनिहारी तो कोई अला ना लगल तो बैठल जाला गढ़ा कुली गढ़ा खेत में कक दल बालू कूद पानी अपना खेतन में लागल बा तो उदहला से उदहाई है ना भरला से भराई पश्चिमी चंपारण जिले के किसानों के लिए कृषि घाटे का व्यवसाय बन चुका है, जबकि एक किसान हल कुदाल से जी तोड़ मेहनत कर खेत तैयार करते हैं और उच्च क्वालिटी का बीज बोते हैं, लेकिन उत्पादन बहुत ही कम होता है। वजह जमीन का समतल नहीं होना, जबकि मनरेगा योजना के तहत निजी जमीन का समतलीकरण का भी काम होना चाहिए। हम लोगों की समस्या ये है कि जो हम लोग फसल लगाते हैं पैदावार उपज अच्छा नहीं होता है। वजह है कि जो नदी में बाढ़ आई उसमें हमारा खेत को यहाँ पर 5 कट्ठा करीब में पूरा मिट्टी ले गया है इस बार की बाढ़ ने। इसके बाद वहाँ पर करीब में है वहाँ पर 10 कट्ठा जो है वो कभी उसमें खेती होता ही नहीं है। अभी तो मिट्टी नहीं है, अब मिट्टी नहीं है तो इसमें फसल नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग आम सभा वार्ड सभा में मनरेगा जो कर्मी आते हैं तो उनसे बात करते हैं, और आम सभा में वार्ड सभा में तो मनरेगा कर्मी आते ही नहीं हैं। जैसे पीआरएस हो चाहे पीओ हो वो कभी आते ही नहीं हैं। बस योजना बनता है और योजना मुखिया के हाथ से फिर उनके पास जाता है, लेकिन उस पर अब आज तक रिकॉर्ड है कि कहीं पे भी निजी ज़मीन पर काम नहीं हुआ है, जबकि मनरेगा का नियम है कि निजी ज़मीन का समतलीकरण, निजी ज़मीन वास की ज़मीन पर काम कराना है, लेकिन ऐसा कहाँ पे दिखा है। समतलीकरण में अपने यहाँ सेमरी जो फील्ड है उसका जो है समतलीकरण कराया गया था, लेकिन जमीन पर जो सलाया गया इसके अलावा कोई भी योजना नहीं आई, इसी कारण नहीं कराया गया। बाढ़ की वजह से जो जिसे हर जिसे किसान का जमीन खराब हो गया है इसके लिए क्या क्या करना होगा? बाढ़ के कारण अगर किसान का जो जमीन खराब हो गया है, यदि वह अपने जमीन के समतलीकरण के लिए योजना देता है उस योजना पर काम कराया जाएगा। होना चाहिए कि जैसे कि अब इतना भयानक बाढ़ आई हम लोगों का जमीन बर्बाद हो गया, इसमें फसल नहीं होगा तो फिर हमारे बाल बच्चे खाएंगे क्या। इसमें होना चाहिए कि इन सभी जमीनों को योजना बनाकर इसमें समतलीकरण के लिए मजदूर लगना चाहिए, और इसका बहुम पूरा सरकार करेगी मनरेगा योजना के तहत, तब ना हम लोग फिर से इसमें खेती कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम किसानों की जमीन मनरेगा योजना के तहत समतलीकरण कराया जाए ताकि फसल का अच्छा उत्पादन मिल सके। इसलिए मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ पीआरए से बात करने जा रही हूँ, जरूरत पड़ने पर हम किसान धरना भी देंगे। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में हिस्सा भरें, जिसके लिए पीआरएस का मोबाइल नंबर है 82 52 65 80 84। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।